उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के स्टेशन रोड स्थित माँ विंध्यवासिनी बालिका गृह है, जिसमें अनियमितता को लेकर सरकार सीबीआई जांच करा रही थी, लेकिन दबंग किस्म की संस्था की संचालिका जबरदस्ती हाई कोर्ट की धौंस दिखाकर इस संस्था को चला रही थी। इसी बीच एक लड़की किसी तरह से संचालिका को धोखा देकर वहां से भाग गई। महिला थाना पहुंचकर उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर महिला थाने के एसओ ने इसकी सूचना तत्काल एसपी को दी। एसपी ने पुलिस फोर्स भेजकर संस्थान पर छापेमारी करवाई, जिसमें 42 लड़कियों में से 24 लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया और संस्था के संचालक और संचालक के पति और बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत लड़की ने बताया कि एक दीदी हैं, उन्हें बड़ी मैम रात को कहीं भेजती थी, कभी लाल गाड़ी तो कभी काली गाड़ी आती थी उनको ले जाने, और जब दीदी सुबह में आती तो सिर्फ रोती थी, कुछ भी पूछने पर बताती नहीं थी। हम लोगों से झाड़ू पोछा करवाया जाता था। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माँ विंध्यवासिनी संस्था थी जिसे स्थगित किया गया था, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। जब इस संस्था को बंद करने का आदेश हुआ और हमारे लोग यहाँ गए तो संस्था की संचालिका ने बदतमीजी की। जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। 24 बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया गया। लड़की जिसका जो हमें बगल में बैठी है अंजलि, इसने उस बालिका गृह में ये 3 साल से नौकर की तरह काम कर रही थी, इनके ऊपर जुल्म हो रहा था। ये उस घर को कंपाउंड पार करके आ गई बाहर और संयोग से महिला थाना पहुंच गई। महिला थाना में हमारा एसओ साहब भी पहुंच गए और पूरा कहानी बताने लगी। इसमें कुछ ऐसे कहानी निकल के आई जहां पे इसने बताया कि जो लड़कियां 15 से 18 साल की हो जाती है उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है। देवरिया से जनमत न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।